हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनअकैडमी क्लासिफाइड नीट पीजी प्लेटफॉर्म पे। आज मैं आपके सामने फिर से टॉक्सिकोलॉजी के अंदर एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। आज के टॉपिक में मैं आपको कोरोसिव पॉइजनिंग के अंदर मैं काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा अपने बारे में, थोड़ा अनअकैडमी के बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर अंबुज मित्तल और मैं वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का एलुमनाई रह चुका हूँ। और अपने पास आउट होने के बाद से मैं टीचिंग लाइन से जुड़ गया था और मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को उनके मंजिल तक पहुँचाया है। जैसे मैंने आपको बताया, टॉक्सिकोलॉजी टॉपिक के अंदर मैं कोरोसिव पॉइजन आज मैं करवाऊंगा। थोड़ा अनअकैडमी के बारे में बताया था। अनअकैडमी भारत के टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे आपको नीट पीजी के लिए आपको गाइडेंस देंगे, मेंटर करेंगे। यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग एजुकेटर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं और ये एजुकेटर्स अपने फील्ड में एकदम टॉप हैं। ये एजुकेटर्स आपकी स्पेशल क्लासेस भी लेते हैं। स्पेशल क्लासेस लाइव होती हैं एकदम। तो ऐसे में अगर आपके कोई भी डाउट होंगे तो आपकी लाइव क्लासेस होने की वजह से आप कोई भी आपके डाउट जो भी होंगे वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आपको मॉक टेस्ट की सुविधा मिलती है। इन मॉक टेस्ट के थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन का इवेल्यूशन भी कर सकते हैं। यहाँ पे फ्लेक्सिबल शेड्यूल्स मिलते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर इंटर्न्स की अगर मैं बात करूँ तो उनके डेली अलग अलग ड्यूटी आवर्स रहते हैं। तो ऐसे में वो जब भी अपनी ड्यूटी आवर्स से फ्री होते हैं तो वो हमसे जुड़ सकते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज प्रेफरेंस मिलती है, जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, मलयालम है, तमिल और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस में आप यहाँ पे जो है एजुकेशन ले सकते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए क्विजेस भी दिए गए हैं। इन क्विजेस के थ्रू आप अपनी नॉलेज को भी टेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, स्पेशल क्लासेस लाइव होती हैं। तो ऐसे में आपके जो डाउट हैं उसके आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा। इसका ना ये है, यहाँ पे एजुकेटर्स आप वन टू वन इंटरेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इंटरेक्टिव पोल्स की सुविधा मिलती है। अगर मान लीजिए एजुकेटर आपके सामने कोई क्वेश्चन रखता है जिसके चार ऑप्शन हैं, तो आप अपने स्मार्टफोन में ही, आप अपने फ़ोन के थ्रू ही आप ऑप्शन चूज करके आप अपना आंसर दे सकते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा रिमोट एरिया में भी रहते हैं तो भी आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आपको बस इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और आप हमसे जुड़ जाएंगे। इसका ये हुआ, लर्न एनी टाइम एनी वेयर। आपको करना बस ये है, आपको अपने स्मार्टफोन में अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। सब्सक्रिप्शन के लिए भी यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं, 1 month, 3 month, 6 month, 12 month, 24 month। अगर मैं इनके सब्सक्रिप्शन चार्जेस की बात करूँ तो मेरा कोड यूज़ करने के बाद, मेरा जो कोड है वो है LIBEDRAM, मेरा कोड यूज़ करने के बाद आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। यानी कि अगर मैं 1 month के सब्सक्रिप्शन चार्जेस की बात करूं तो मेरा कोड यूज करने के बाद ये आपको पड़ेगा 4,500 का। 3 months के सब्सक्रिप्शन चार्जेस की बात करूं तो ये पड़ेगा 11,250 का। 6 month के सब्सक्रिप्शन चार्जेस की बात करूं तो मेरा कोड यूज करके ये आपको पड़ेगा 18,000 का। 12 month के सब्सक्रिप्शन चार्जेस की अगर मैं बात करूं तो मेरा कोड यूज करके आपको पड़ेगा 22,500 का। ऐसे ही अगर मैं 24 months के सब्सक्रिप्शन चार्जेस की बात करूं तो मेरा कोड यूज करने के बाद, मेरा जो कोड है LIVEDRAM, मेरा कोड यूज करने के बाद ये आपको पड़ेगा 27,000 रुपीज का। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं, 12 month में 1 month के सब्सक्रिप्शन चार्जेस अगर मैं ऐड करूं तो उसी 13 month के सब्सक्रिप्शन चार्जेस में आपको फुल 2 साल का बेनिफिट आपको मिल रहा है। यानी कि 13 months में आपको पूरे पूरे 24 months का आपको बेनिफिट मिल रहा है। तो इसलिए दोस्तों एक बार सब्सक्रिप्शन लेके देखिए, आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो जो आज की जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो मैं, जैसे मैंने आपको बताया, कोरोसिव पॉइजन्स के ऊपर मैं कर रहा हूँ। पिछली जो मेरी वीडियो थी उसके अंदर मैंने मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स के बारे में मैंने बताया था। मेडिको लीगल एस्पेक्ट के बारे में पूरा मैंने बता दिया था, क्या क्या IPCs हैं, क्या क्या CRPCs हैं, डॉक्टर की क्या ड्यूटी होती है, वो सब चीज़ें मैंने उसके अंदर बता दिया था। आज के केस में जैसे मैंने आपको बताया, कोरोसिव पॉइजन्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो डेफिनेशन जानते हैं। कोरोसिव पॉइजन्स आर द सब्सटेंसेस विच आर कॉस्टिक, दैट इज कैपेबल ऑफ बर्निंग द टिश्यू व्हेन अप्लाइड। द लोकल इंजरी इन्फ्लेक्टेड मे बी वेरी डिग्री एंड सिवियरिटी रेंजिंग फ्रॉम सुपरफिशियल बर्न टू चेरिंग। कोरोसिव सब्सटेंसेज इंक्लूड एसिड, एल्कलीज एंड सम मेटेलिक सॉल्ट एंड नॉन मेटेलिक कंपाउंड। तो कोरोसिव पॉइजन्स वो हैं, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे एसिड्स की बात करूं तो जैसे आपने देखा होगा, एसिड को टच करने से हाथ जल जाता है,
वो एक कोर्सिव पॉलिसीज का एक एग्जाम्पल है। तो चलिए एक एक करके जानते हैं इसके टाइप क्या है। जैसे मैंने आपको बताया इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक एल्कली मेटलिक सॉल्ट एंड नॉन मेटलिक कंपाउंड। तो इनऑर्गेनिक एसिड के अंदर आता है सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड्स के अंदर आता है एसिटिक एसिड कार्बोलिक एसिड, एल्कली के अंदर आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मेटल सॉल्ट्स के अंदर आता है फेरिक क्लोराइड जिंक क्लोराइड एंड जिंक क्रोमेट, नॉन मेटल कंपाउंड के अंदर आता है आयोडीन पोटेशियम परमैंगनेट हाइड्रोजन और परऑक्साइड। तो ये सारी चीज़ें नॉन मेटल कंपाउंड के अंदर आता है। चलिए दोस्तों एक एक करके हम जानते हैं। सबसे पहले एसिड्स लेते हैं तो इनऑर्गेनिक, तो इनऑर्गेनिक एसिड के एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया था सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और भी बहुत सारे एसिड्स होते हैं, एक एक करके हम जो भी इंपॉर्टेंट एसिड्स हैं जो एग्जाम के अंदर पूछे आते हैं तो वो सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा। तो सबसे पहले ये बर्न कैसे करता है, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। इन कंसेंट्रेटेड फॉर्म इनऑर्गेनिक एसिड एक्ट एज कोरोसिव एंड इन डायलेटेड फॉर्म दे एक्ट एज एन इरिटेंट पॉइजन। दीज एसिड एक्ट मेनली एट लोकल साइट ऑफ एप्लीकेशन विद मिनिमम रिमोट और सिस्टमिक एक्शन। इनऑर्गेनिक एसिड आर पावरफुल डेसिकेंट, व्हेन दीज एजेंट कम इन कॉन्टेक्ट विद बॉडी दे एक्सट्रैक्ट वाटर फ्रॉम द टिश्यू एंड लिबरेट हीट। The acid precipitate the protein and cause coagulation necrosis of the tissue. In contact, they fix, destroy and erode the tissue. यानी कि जो एसिड होते हैं वो जो है coagulation necrosis शो करते हैं। मैं आपको इसके अंदर आगे बताऊंगा कि जितने भी एसिड हैं वो सारे coagulation necrosis शो करते हैं सिर्फ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को छोड़ के। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो है कोएगुलेशन नेक्रोसिस शो नहीं करता, वो लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस शो करता है। तो यहां पे लिखता हूं मैं एक्सेप्ट। तो एसिड जो है वो कोएगुलेशन नेक्रोसिस शो करते हैं। तो जो एसिड होते हैं ये क्या करते हैं, दे कन्वर्ट हीमोग्लोबिन टू हीमेटिन, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एस्टर विच हैज सेल्फ लिमिटिंग इफेक्ट एंड द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर मिनिमाइज द फर्दर डैमेज ऑफ द टिश्यू, दस ड्यू टू प्रेसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन एंड फॉर्मेशन ऑफ एस्टर द एसिड डू नॉट पेनिट्रेट टिश्यू मच डीपर एंड कॉज लेस डैमेज देन एल्कली। तो एस्टर फॉर्मेशन होने की वजह से ही जो है एसिड एल्कलीज के कंपेयर में कम घातक होते हैं। तो अगर कभी फ्यूचर में कभी आपके सामने क्वेश्चन है विच इज मोर डेंजरस एसिड या फिर एल्कली, तो आपका आंसर होगा एल्कलीज। एसिड कॉज मोर डैमेज टू द स्टमक देन डेट ऑफ द इसोफेगस, इट इज दस दैट स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ द इसोफेगस इज मोर रेजिस्टेंट टू एसिड बट वल्नरेबल फॉर एल्कलीज। कॉलुमुलर एपिथीलियम ऑफ स्टोमक इज ससेप्टेबल फॉर एसिड एंड कॉज गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, द पायलोरिक स्पैज्म इंड्यूस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एसिड इन स्टोमक रिजल्ट्स इन मैक्सिमम डैमेज टू पायलोरस एंड पायलोरिक एंट्रम। यानी कि स्टोमक के अंदर पायलोरिक स्पैज्म होने की वजह से सबसे ज्यादा जो डैमेज होता है वो पायलोरस और पायलोरिक एंट्रम के अंदर पाया जाता है। In rare case of duodenal obstruction may be seen. However, in rare case acid may also produce esophageal injury. तो जैसे मैंने आपको बताया कि stomach और esophagus के compare में सबसे ज्यादा acid किसको damage करता है, stomach को damage करता है। और stomach के अंदर भी किसको सबसे ज्यादा damage करेगा, pylorus part या फिर pyloric antrum को सबसे ज्यादा damage करेगा। Pathophysiology देखते हैं इसकी। Following phase has been identified among ingestion of corrosive agent. Inflammatory stage, पहली inflammatory stage. It occurs during the first 4 days. Edema and erythema develop first, followed by thrombosis of vessel and tissue necrosis. यानी कि पहली जो stage है acid का जो ingestion होता है, acid जब आता है contact में तो सबसे पहले इन्फ्लेमेटरी स्टेज होता है जो 4 दिन के लिए होती है। सेकेंड स्टेज होती है ग्रेनुलेशन स्टेज,
ये 4 से 7 दिन के लिए होती है। इट स्टार्ट एट अबाउट 4 डे एंड एट अप्रोक्सीमेटली 7 डे आफ्टर इंजेक्शन। फाइब्रोप्लेशिया रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू विद द लेइंग डाउन ऑफ कोलेजन ओवर द डिन्यूटेड एरिया ऑफ म्यूकोजा स्लफिंग, यानी कि फाइब्रोप्लेशिया इसके अंदर देखा जाता है। और ये जो ग्रेनुलेशन स्टेज होती है वो 4 दिन से लेकर 7 दिन तक रहती है इंजेक्शन के बाद। जो तीसरी पार्ट है वो है परफोरेशन, 7 से 21 दिन के अंदर, मोस्ट ऑफन अकर बिटवीन डे 7 एंड 21। ड्यूरिंग दिस पीरियड द टिश्यू आर वीक एंड द रिस्क ऑफ परफोरेशन इज हाई, यानी कि 7 से 21 दिन के बीच में परफोरेशन देखा जाता है। सिकेट्राइजेशन स्टेज, इसका मतलब ये होता है स्टार्ट एट 3 वीक्स एंड मे परसिस्ट फॉर ईयर। देन फाइब्रस टिश्यू फॉर्मेशन अकर एट वेरिएबल रेट। ओवर प्रोडक्शन ऑफ स्कार टिश्यू रिजल्ट इन स्ट्रक्चर फॉर्मेशन एंड ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि सिकेट्राइजेशन स्टेज, इसके अंदर क्या होता है जो स्कार जो बनता है उसकी वजह से कॉन्स्ट्रक्शन देखा जाता है स्किन पे। तो चलिए एसिड्स के अंदर देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स होते हैं लोकली जो होते हैं वो केमिकल बर्न की तरह लगते हैं। अगर इंजेक्शन कर लिया गया है एसिड का तो क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स आएंगे, पेन इन माउथ थ्रोट एंड एब्डोमेन, ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा, इरेक्शन, रिचर्चिंग, वॉमिटिंग, हिमेटोमिसिस, डिसफेजिया, डिसआर्थ्रिया, डिप्सनिया एंड डिस्फोनिया ड्यू टू रिगर्जिटेशन और फ्यूम्स। यानी कि अगर एसिड गिरा है तो केमिकल बर्न की तरह दिखेगा क्लिनिकल फीचर्स, और अगर इंजेस्ट कर लिया गया है तो ये सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों मैनेजमेंट के ऊपर। अगर मान लीजिए एसिड अगर है तो उस केस में क्या क्या मैनेजमेंट देखा जाएगा, क्या क्या किया जाएगा मैनेजमेंट। डाइल्यूशन ऑफ एसिड बाय मिल्क या फिर वाटर, डिमल्सेंट का यूज कर सकते हैं। डिमल्सेंट होते हैं जैसे स्टार्च, एग वाइट, मिल्क। अगर मान लीजिए स्किन या फिर किसी ने एसिड इंजेस्ट कर लिया है या फिर स्किन के ऊपर एसिड गिर गया है तो ऐसे में हम मिल्क दे सकते हैं या फिर स्टार्च, एग वाइट, ये सारी चीजें भी हम दे सकते हैं एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। सपोर्टिव मेजरमेंट हमें करना पड़ेगा जैसे ए बी सी डी ई, जैसे मैंने टॉक्सिकोलॉजी के स्टार्टिंग में मैंने मैनेजमेंट बताया था कि ए बी सी डी ई हम करेंगे, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, ये सारी चीजें हम करेंगे। हम इसके अंदर क्या क्या चीज नहीं कर सकते हैं वो है गैस्ट्रिक लेवाज, एमएसएस मतलब वॉमिटिंग कराना, न्यूट्रलाइजेशन विद एल्कली एज इट मे कॉज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ परफोरेशन। क्या होता है दोस्तों कि एसिड प्लस अगर यहाँ पे हम एल्कली देते हैं न्यूट्रलाइज करने के लिए तो इसकी वजह से CO2 का फॉर्मेशन होता है और ये CO2 इतना ज्यादा हो जाएगा कि उससे परफोरेशन हो जाएगा। तो इसलिए हम इस केस में न्यूट्रलाइज करने की चीजें हम नहीं करते हैं। कार्बोनेटेड एल्कली भी हम नहीं दे सकते, मे रिएक्ट विद एसिड एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस डेट मे डिस्टेंड द स्टमक एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ परफोरेशन। कॉम्प्लिकेशन ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड पॉइजनिंग, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो एक्यूट कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती है, मैसिव गैस्ट्रिक हेमरेज, ब्रोंको निमोनिया, परफोरेशन ऑफ स्टमक, परफोरेशन ऑफ पेरिटोनाइटिस, ट्रांजिट लैरिंजियल इडिमा, इन्फेक्शन या फिर सेप्सिस, रीनल फेलियर या फिर शॉक, ये सारे इसके एक्यूट कॉम्प्लिकेशन हैं। डिलेट की अगर बात करूँ जिसको क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन के नाम से भी हम जानते हैं, तो क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आ सकते हैं, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि पैलोरिक स्टेनोसिस बोलते हैं हम उसको, या फिर माल न्यूट्रिशन। तो इनऑर्गेनिक जो इनऑर्गेनिक एसिड पॉइजनिंग है इसके अंदर डेथ की क्या क्या कॉज हो सकती हैं, अर्ली कॉजेज हैं शॉक, स्पैजम ऑफ और इडिमा ऑफ लैरिंग्स, परफोरेशन, पेरिटोनाइटिस, टॉक्सीमिया। डिलेट कॉज क्या है डेथ के, वो है एस्पिरेशन निमोनिया, सेकेंडरी इन्फेक्शन, रीनल फेलियर और माल न्यूट्रिशन, तो ये सारे इसके सेकेंडरी कॉजेज हैं डेथ के, डिलेट कॉजेज हैं डेथ के। प्रिजर्वेशन ऑफ विसरा,
कैसे हम प्रिजर्व करेंगे, इन केस ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड पॉइजनिंग डेथ विसरा शुड बी प्रिजर्व इन रेक्टिफाइड स्प्रिट। जैसे मैंने आपको कहा था पिछली वीडियो में कि आइडियल जो चीज़ है, आइडियल जो चीज़ है वो है रेक्टिफाइड स्प्रिट। लेकिन इकोनॉमिकली इंडियन सिस्टम में ज़्यादातर जो है सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, यानी कि जो NaCl होता है, घर का जो नमक होता है, वो हम यूज़ कर सकते हैं। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या क्या है? एसिड या तो एक्सीडेंटली पॉइजनिंग हो सकती है उसकी, एक्सीडेंटल पॉइजनिंग, जैसे मिस्टेकन फॉर मेडिसिन, इंडस्ट्रियल एक्सेट्रा, मे बी थ्रोन ओवर फेस और बॉडी विद मेलिशियस इंटेंशन, यानी जिसको विट्रोलेज बोलते हैं। विट्रोलेज होता है किसी के फेस पे एसिड को फेंक देना। ये मैं आपको आगे बता दूंगा कि इसके रिगार्डिंग जो IPCs होती है वो 320 IPC होती है, और भी सारी जो इससे रिलेटेड IPCs है वो भी मैं आपको बता दूंगा। सुसाइड काफ़ी रेयर होता है क्योंकि ये एक पेनफुल तरीका होता है, इसलिए लोग इससे सुसाइड रेयरली करते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके एक एक एसिड को हम जानते हैं। सबसे पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम स्प्रिट ऑफ सॉल्ट जो है, काफ़ी फेमस नाम है इसका, स्प्रिट ऑफ सॉल्ट के नाम से हम जानते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है इसकी? कलरलेस, ओडोरलेस, वोलेटाइल, फ्यूमिंग लिक्विड, मे एक्वायर येलोइश टिंज व्हेन एक्सपोज टू एयर। इसकी जो फेटल डोज है वो 15-20 ml है, और जो फेटल पीरियड है वो है 18-30 घंटे। ऑटोप्सी फाइंडिंग के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा? स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन शो कोरोजन, हाउएवर कोरोजन इज लेस सीवियर। द स्किन में भी ब्राउनिश डिस्कलरेशन एंड पार्चमेंट लाइक, द कोएगुलेशन ऑफ द सर्फेस ऑफ द टंग एंड द म्यूकोसा ऑफ फेरिंग्स एंड इसोफेजियल एंड इसोफेगस इज सीन। स्टोमक इज सॉफ्ट, इडेमेटस, कंजस्टेड एंड डीस्क्वेमेटेड और मे बी अल्सरेटेड। परफोरेशन इज लेस कॉमन। स्टोमक कंटेंट क्या रहेगा? मिक्सड ऑल्टर्ड ब्लड विद म्यूकस, इन्फ्लामेशन एंड इडिमा ऑफ रेस्पिरेटरी पैसेज। तो ऑटोप्सी फाइंडिंग के अंदर हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कलर काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, ब्राउनिश डिस्कलरेशन और कोगुलेशन ऑफ सर्फेस ऑफ द टंग एंड म्यूकोसा, ये सारी चीज़ें थोड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है नाइट्रिक एसिड। तो नेक्स्ट है आपका नाइट्रिक एसिड, इसको हम एक्वा फोर्टिस के नाम से भी जानते हैं या फिर रेड स्प्रिट ऑफ नाइटर, ये इसके नाम से भी हम जानते हैं। नाइट्रिक एसिड को अगर मैं हिंदी में बोलूं तो तेजाब इसका मतलब होता है, जो तेजाब होता है वो नाइट्रिक एसिड ही होता है। तो इसका क्लीन कलरलेस फ्यूमिंग लिक्विड, पंजेंट ओडोर विद ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इट कॉज येलोइश डिस्कलरेशन ड्यू टू जेंथोप्रोटिक रिएक्शन की वजह से ये जो है येलोइश डिस्कलरेशन शो करता है। इसके अंदर एक चीज और ध्यान रखिएगा कि यूरिन जो होगा इसके अंदर ब्राउन कलर का होगा। तो मैं यहां लेता हूं यूरिन ब्राउन कलर। तो फेटल डोज है इसका 10-15 ml और फेटल पीरियड है इसका 12-24 घंटा। ऑटोप्सी फाइंडिंग इसके अंदर क्या क्या मिलेगी? कोरोजन ऑफ स्किन, एंगल ऑफ माउथ, लिप्स, म्यूकोसा विद येलोइश डिस्कलरेशन, स्टोमक वॉल इज सॉफ्ट एंड फाइबर, अल्सरेटेड, परफोरेशन इज लेस कॉमन। नेक्स्ट दोस्तों आते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, यह हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे, काफी सारी चीजें इसमें पूछी जाती है। ऑयल ऑफ विट्रोल के नाम से भी जाना जाता है। प्रॉपर्टीज क्या है इसकी? हैवी ऑयली कलरलेस, ओडोरलेस एंड नॉन फ्यूमिंग लिक्विड, हाइग्रोस्कोपिक, कार्बोनाइज्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंस। फेटल डोज है इसका 5-10 ml, फेटल पीरियड है इसका 12-18 घंटा। ऑटोप्सी फाइंडिंग के अंदर हमें क्या क्या मिलेगा? कोरोजन ऑफ चिन, एंगल ऑफ माउथ, लिप्स, ओरल म्यूकोसा, टंग एंड थ्रोट, इसके अंदर हमें कोरोजन देखने को मिलेगा। कोरोजन ओवर हैंड में बी नोटेड, टीथ चौकी वाइट, द कोरोडेड एरिया ऑफ स्किन और म्यूकोसा मेम्ब्रेन अपीयर ब्राउनिश और ब्लैकिश ड्यू टू केमिकल चेयरिंग ऑफ द अफेक्टेड टिश्यू। ये कलर काफी याद रखने पड़ेंगे दोस्तों, टीथ चौकी वाइट हो जाएंगे और जो मेम्ब्रेन होगी वो ब्राउनिश और ब्लैकिश कलर की हो जाएगी। परफोरेशन ऑफ द स्टमक में भी सीन। तो अगर जहां पे ऑयल ऑफ विट्रियोल आया है तो हम थोड़ा सा विट्रोलेज के बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं। विट्रोलेज होता है एसिड को फेंकना, तो विट्रोलेज मीन थ्रोइंग ऑफ एसिड ऑन द फेस और बॉडी ऑफ अ पर्सन विद अ
मैलिनियस इंटेंशन टू कॉज बॉडली हार्म और डिसफिगरमेंट और टू कॉज ब्लाइंडनेस. द टर्म इज ड्राइव फ्रॉम द प्रैक्टिस ऑफ थ्रोइंग सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम ऑयल ऑफ विट्रोल के नाम से जानते हैं. However, it is broadly used to denote injury caused by throwing any corrosive substances such as acid या फिर alkali. इसके अंदर ज़्यादातर चीज़ें क्या फेंकी जाती हैं, जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, जैसे एसिटिक एसिड, कार्बोलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड या फिर पिक्रिक एसिड. विट्रोलेज की अगर बात आई है तो इसके अंदर मैं आपको कुछ IPCs बता देता हूँ. 320 IPC जो होती है, 320 IPC जो होती है वो ग्रीवियस हार्ट से रिलेटेड है, क्योंकि इसके अंदर जब एसिड फेंका जा रहा है तो ऐसे में ये ग्रीवियस हार्ट का एग्जाम्पल बनता है. तो ग्रीवियस हार्ट, क्योंकि इसके अंदर फेस या फिर हैंड काफी ज्यादा बर्न हो जाते हैं. एक इसके अंदर आता है 326 A IPC. इसके अंदर होता है एसिड अटैक, इसके अंदर होता है एसिड का अटैक. एक होता है 326 B IPC, ये होता है एसिड अटेम्प्ट करना. तो ये दो IPC आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी दोस्तों. जैसे मैंने आपको बताया था कि जो विट्रोलेज होता है वो होता है एसिड को बॉडी पे फेंकना. ये ज्यादातर जेलेसी के कारण ही, और या फिर कुछ लोग जो है दंगे फसाद में भी इस चीज को यूज करते हैं, ताकि वो अपना गंदा मोटिव मतलब सामने रख सकें. एसिटिक एसिड के ऊपर आते हैं अब. सल्फ्यूरिक एसिड की दोस्तों बात चली थी, तो सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर मैं इसका मैनेजमेंट बताता हूँ. सिंस ये एक कार्बोनाइज ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, तो इसके अंदर कभी भी हमें इसको न्यूट्रलाइज करने की कंडीशन हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एल्कली देंगे तो एल्कली प्लस ये एसिड जो है, जैसे मैंने आपको बताया था CO2 का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से परफोरेशन हो सकता है. तो इसलिए कभी भी इसको न्यूट्रलाइज नहीं करना चाहिए. और इसके साथ साथ हमें गैस्ट्रिक लवाज भी हमें नहीं करना है. तो ये दोनों चीजें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हैं. हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, हम इसके अंदर MgO दे सकते हैं. ये इसका एंटीडोट है ये इसका. और हम इसके अंदर स्टार्च भी दे सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था मिल्क, एग वाइट, ये सारी चीजें हम दे सकते हैं. तो एंटीडोट जो है इसका MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड इसका एंटीडोट है. चलिए नेक्स्ट आता है एसिटिक एसिड के ऊपर. एसिटिक एसिड क्या है, इसको इथाइलिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है. इसकी प्रॉपर्टीज हैं दोस्तों, कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड विद पंजेंट ऑर्डर, प्योर एसिटिक एसिड इज एन आइस लाइक सॉलिड बिलो 16 degrees centigrade, एंड हेंस इट ऑफन डिस्क्राइब एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड. अबव दिस टेम्परेचर इट इज कलरलेस लिक्विड. द डायल्यूट फॉर्म ऑफ एसिड इज कॉल्ड एज विनेगर. विनेगर इज अबाउट 4-5% सॉल्यूशन, यानी कि एसिटिक एसिड का जो डायल्यूटेड फॉर्म है उसी को ही हम विनेगर बोलते हैं. फेटल डोज इसका 50-100 ml कंसेंट्रेटेड फॉर्म में. फेटल पीरियड इसका 48 hours. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है दोस्तों इसका, इन कंसेंट्रेटेड फॉर्म इट एक्ट एज कोरोसिव, इन डायल्यूटेड फॉर्म इट एक्ट एज एन इरिटेंट. सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन कॉज हीमोलाइसिस, हीमोग्लोबिनूरिया, रीनल फेलियर, डेसिमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन, मेटेलिक एसिडोसिस एंड लिवर डिसफंक्शन. तो ये सारे इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हैं. सिस्टमिक एब्जॉर्ब करने के बाद, सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन होने के बाद ये हीमोलाइसिस और ये सारी चीजें कॉज करता है. ऑटोप्सी के अंदर हमें क्या क्या मिलेगा, मैसिव जियोग्राफिकल लिवर नेक्रोसिस, डीजनरेशन एंड स्वेलिंग ऑफ रीनल ट्यूबुलर एपिथीलियम. तो ये सारी हमें ऑटोप्सी के अंदर फाइंडिंग मिलेगा. नेक्स्ट आते हैं दोस्तों कार्बोलिक एसिड के ऊपर. कार्बोलिक एसिड का जो मोस्ट कॉमन नाम जो हम जानते हैं वो है फिनॉल. इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, कलरलेस, प्रिज्मेटिक, नीडल लाइक क्रिस्टल दैट टर्न पिंक एंड लिक्विफाइड व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, हैज स्वीटेस्ट बर्निंग टेस्ट एंड फिनॉल लाइक स्मेल,
कंसेंट्रेटेड फिनॉल इज अ डार्क ब्राउन लिक्विड एंड कंटेन इम्प्योरिटीज लाइक क्रिसॉल। तो अगर मैं आपको नीडल लाइक क्रिस्टल और ये डार्क ब्राउन लिक्विड के इमेज दिखाऊं मैं आपको, तो ये रहा कार्बोनिक एसिड इन लिक्विड फॉर्म और कार्बोनिक एसिड क्रिस्टल फॉर्म। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं लिक्विड फॉर्म में ये एकदम डार्क ब्राउन ये कलर का लिक्विड है। लाइजॉल इज 50% सॉल्यूशन ऑफ क्रिसॉल इन सेपोनिफाइड वेजिटेबल ऑयल। हाउएवर फिनॉल इज 8 times मोर टॉक्सिक देन लाइजॉल। डेटॉल इज क्लोरिनेटेड फिनॉल विद टर्पिनॉल। हाउसहोल्ड फिनॉल सोल्ड एज फिनाइल कंटेन 5% फिनॉल इन वाटर। डेरिवेटिव ऑफ फिनॉल क्या क्या है इसके, क्रिसॉल थाइमोल क्रायोसेट मेंथॉल टैनिक एसिड नेप्थॉल एंड रिजोल्फिनॉल। तो ये सारे इसके डेरिवेटिव हैं। कार्बोलिक एसिड यानी फिनॉल का यूज क्या है दोस्तों, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट के केस में हम इसको यूज कर सकते हैं और प्लास्टिक के मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी हम इसको यूज करते हैं। तो ये मैंने जैसा आपको इमेज दिखाई। नेक्स्ट है दोस्तों एब्जॉर्प्शन मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। तो जैसे मैंने आपको कहा था ये फिनॉल काफी हम डिटेल में हम देखते हैं पढ़ेंगे इसको। तो फिनॉल इज एब्जॉर्ब फ्रॉम स्किन गैस्ट्रिक म्यूकोसा पर रेक्टम पर वजाना एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक से फिनॉल एब्जॉर्ब हो सकता है। फिनॉल इज कन्वर्टेड इंटू हाइड्रोक्विनोन एंड पैरोकेटाकोल या फिर पैराकेटाचोल एंड एक्सक्रीटेड इन यूरिन। ट्रेसेस आर एक्सक्रीटेड बाई लंग्स सलाइवरी ग्लैंड एंड स्किन। तो एक्सक्रीशन कहाँ से हो सकता है, यूरिन से, और कुछ ट्रेस अमाउंट जो एक्सक्रीटेड जो एक्सक्रीशन हो सकता है वो लंग्स के द्वारा सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा और स्किन के द्वारा भी हो सकता है। तो आपको ये दो चीजें याद रखनी पड़ेंगी, फिनॉल किस चीज में कन्वर्ट होता है, हाइड्रोक्विनोन और पैराकेटाचोल के अंदर कन्वर्ट होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। फेटल डोज का इसका 2 ग्राम क्रिस्टल और 25 to 50 ml ऑफ हाइसोल्ड फिनॉल जो है इसका फेटल डोज होता है। फेटल पीरियड क्या होता है दोस्तों, 3 to 4 घंटे इसका फेटल पीरियड होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है दोस्तों इसका, फिनॉल हैज लोकल एज वेल एज सिस्टमिक एक्शन। लोकली इट एक्ट एज कोरोसिव एजेंट एंड व्हेन एब्जॉर्ब्ड इट कॉज सीएनएस डिप्रेशन मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड रीनल फेलियर। कार्बोलिक एसिड हैज ग्रेट पेनिट्रेटिंग पावर एंड इट कोएगुलेट प्रोटीन। फिनॉल हैव अ पावरफुल एंटीपायरेटिक इफेक्ट सिमिलर टू डेट ऑफ सैलिसैलेट। फिनॉल एंड डेरिवेटिव्स ऑफ फिनॉल कॉज मिथ हीमोग्लोबिनीमिया। तो फिनॉल या फिर कार्बोलिक एसिड के बारे में क्लिनिकल फीचर्स और देखते हैं, दो लोकल और सिस्टमिक। पहले लोकल क्लिनिकल फीचर देखते हैं, व्हेन अप्लाइड टू स्किन और म्यूकोसा इट कॉज बर्निंग पेन नमनेस टिंगलिंग एंड एनेस्थीसिया। इट कॉज कोरोसिव एंड प्रोड्यूस वाइट एस्चार स्कार विच फॉल ऑफ इन फ्यू डेज लिविंग ब्राउन स्टेनिंग एरिया। सिस्टमिक क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होंगे इसके, जीआईटी में क्या क्या देखा जाएगा हमें, बर्निंग पेन फॉलोड बाय टिंगलिंग नमनेस एंड एनेस्थीसिया, नॉजिया एंड वॉमिटिंग देखने को मिलेगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, रेस्पिरेशन इज स्लो एंड लेबर्ड। सीएनएस के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, हेडेक गिडीनेस अनकॉन्शियसनेस कन्वल्शन एंड कोमा। ऑलिग्यूरिया एंड हिपेटिक फेलियर देखने को मिलेगा। यूरिन क्या होगा, मे बी कलरलेस बट ऑन एक्सपोजर टू एयर टर्न ग्रीन ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल मेटाबोलाइट्स। जो मैंने फिनॉल के जो मेटाबोलाइट्स मैंने आपको बताए थे हाइड्रोक्विनोन एंड पैराकेटाकोल, इसीलिए यूरिन का जो कलर हो जाता है ग्रीन, उसी को हम कार्बो यूरिया के नाम से जानते हैं। काफी क्वेश्चन आते हैं इसके रिगार्डिंग कार्बो यूरिया। द हाइड्रोक्विनोन एंड पैराकेटाकोल में कॉज पिगमेंटेशन इन द कॉर्निया एंड वेरियस कार्टली एंड मे कॉज पिगमेंटेशन इन द कॉर्निया एंड वेरियस कार्टिलेज अ कंडीशन नोन एज ओक्रेनोसिस। तो यानी कि फिनॉल से रिलेटेड ये दो क्वेश्चन काफी ज्यादा कॉमन है दोस्तों, काफी बार ये पूछा गया है, कार्बोल यूरिया और ओक्रेनोसिस। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए।
तो क्वेश्चन ऐसे बनता है कि किस पॉइजनिंग के अंदर हमें कार्बो यूरिया और ऑक्रोनोसिस देखने को मिलता है, तो आंसर है फिनॉल या फिर कार्बोलिक एसिड। अच्छा, मैनेजमेंट क्या होगा इसका, कार्बोलिक एसिड का? स्किन पे अगर गिरा है तो वॉश विद अनडाइल्यूटेड पॉली इथाइलिन ग्लाइकॉल। मैनेजमेंट में ऑक्सीजन या फिर वेंटिलेटरी सपोर्ट हमें देना पड़ेगा क्योंकि रेस्पिरेशन स्लो और लेबर्ड रहती है। इंट्रावेनस फ्लूइड एंड वैसो प्रेशर टू सपोर्ट ब्लड प्रेशर। अगर किसी ने इंजेक्शन कर लिया, इंजेस्ट कर लिया है, तो कॉशियस स्टोमक वॉश विथ सोडियम और मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन। लिडोकेन फॉर वेंटिकुलर एरिथमियाज, बेंजोडाइजेपिन फॉर सीजर्स। अगर मिथ हीमोग्लोबिनीमिया अगर हो गया है तो उस केस में, इफ मिथ हीमोग्लोबिनीमिया इज मोर देन 30% देन इंजेस्टेड मिथिलीन ब्लू हमें देना रहेगा। लेकिन एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन हमें देना पड़ेगा अगर मिथ हीमोग्लोबिनीमिया अगर 70% से ज्यादा हो गया है तो। दोस्तों यहां पे हमने कार्बोलिक एसिड का मैनेजमेंट भी हमने देखा। अब देखते हैं इसकी ऑटोप्सी फाइंडिंग। तो फिनॉल लाइक स्मेल आएगी, कोरोजन ऑफ स्किन एट एंगल ऑफ माउथ चिन। कोरोजन आर इनिशियली व्हाइट बट टर्न्स ब्राउन इन कलर, स्प्लैशिंग बाय द नोट। टंग व्हाइट एंड सोलन, म्यूकोसा ऑफ स्टोमक इज टफ व्हाइट और ग्रे, कॉरुगेटेड एंड अरेंज इन लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड एंड लुक्स लेदरी। म्यूकोसा मेम्ब्रेन ऑफ माउथ थ्रोट लिप्स आर सॉर्डेंट व्हाइटेंड और ग्रेएश। यूरिन ऑन एक्सपोजर टू एयर टर्न ग्रीन। तो ये हमारी ऑटोप्सी फाइंडिंग होगी। मेडिको लीगल एक्सपेक्ट क्या क्या हो सकते हैं इसके, एक्सीडेंटल, सुसाइडल और होमिसाइडल। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों ऑक्जेलिक एसिड के ऊपर। ऑक्जेलो एसिड को हम लोग एसिड ऑफ सोरल या फिर एसिड ऑफ सुगर के नाम से भी हम जानते हैं। प्रॉपर्टीज के बारे में बता दूं आपको, कलरलेस, ट्रांसपेरेंट, ओडोरलेस, प्रिज्मेटिक, क्रिस्टल रिजेम्बलिंग द क्रिस्टल ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट एंड जिंक सल्फेट। इट हैज सोर एंड स्लाइटली बिटर एसिडिक टेस्ट। इट इज प्रेजेंट इन रूडराट लीफ, बीट्स एंड मैनी अदर वेजिटेबल्स। पोटेशियम ऑक्जेलेट, सोडियम ऑक्जेलेट एंड अमोनियम ऑक्जेलेट आर टॉक्सिक सॉल्ट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। यूजेस कहाँ का है इसका ऑक्जेलिक एसिड का, ब्लीचिंग एंड क्लींजिंग एजेंट के अंदर, इंक रिमूवल के अंदर, रस्ट रिमूवल, मेटल पॉलिशिंग, क्लीनिंग ब्रास एंड कॉपर आर्टिकल। फेटल डोज है इसका 15 से 20 ग्राम और फेटल पीरियड है इसका 1 से 2 घंटा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है दोस्तों इसका, लोकल और सिस्टमिक दोनों देखेंगे। लोकली इट एक्ट एज कोरोसिव व्हेन यूज इन कंसंट्रेटेड फॉर्म एंड एक्ट एज इरिटेंट व्हेन यूज इन डायलेटेड फॉर्म। सिस्टमिक में क्या क्या होगा, आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑक्जेलिक एसिड कंबाइन विद कैल्शियम आयन एंड कॉज हाइपोकैल्शीमिया। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन से कोरोसिव एसिड के अंदर हमें हाइपोकैल्शीमिया देखने को मिलेगा, तो वो है हमारा ऑक्जेलिक एसिड। इट ऑल्सो कॉज ट्यूबुलर नेक्रोसिस एंड रीनल फेलियर। क्लिनिकल फीचर की बात करते हैं दोस्तों, लोकल और सिस्टमिक दोनों। तो लोकल हमें क्या क्लिनिकल फीचर देखने को मिलेगा, कोरोजन ऑफ म्यूकोसा विद अंडरलाइन कंजेशन। द क्रोडेड एरिया इज रिफर्ड एज स्केल्ड इन अपीयरेंस। सिस्टमिक क्लिनिकल फीचर्स हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, वॉमिटिंग, डायरिया, हाइपोकैल्सीमिया हुआ इसलिए हमें टिटैनी देखने को मिल सकती है, मस्कुलर इरिटेबिलिटी, टेंडरनेस, क्रैम्प ये देखने को मिलेगा, कन्वल्शंस देखने को मिलेगा, एक्रोचर्ड हैंड देखने को मिलेगा। ये इसलिए है क्योंकि ड्यू टू कार्पोपीडल स्पैजम की वजह से हमें देखने को मिलता है। चेवोस्टिक साइन हमें देखने को मिलेगा। इसके अंदर क्या होता है, जब हम टैप करते हैं फेशियल नर्व का, तो फेशियल नर्व के ऊपर जब हम टैप करते हैं तो फेशियल मसल के अंदर स्पैजम देखने को मिलता है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रीनल फेलियर और यूरिमिया ये चीज भी देखने को मिलता है। मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे, लोकल एक्सपोजर अगर हुआ है तो वॉश द इफेक्टेड स्किन विद कॉपियस वाटर, गैस्ट्रिक लेवाज विद कैल्शियम ग्लूकोनेट और कैल्शियम लैक्टेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट इंट्रावेनियसली एंड सिम्टोमेटिक। तो मैनेजमेंट के अंदर हमें पहले तो
पानी से काफ़ी धोना पड़ेगा अगर स्किन पे ही है। अगर किसी ने इंजेस्ट कर लिया है तो गैस्ट्रिक लिवाज हमें करना पड़ेगा कैल्शियम ग्लूकोनेट और कैल्शियम लैक्टेट से, और कैल्शियम ग्लूकोनेट हमें इंटरवेनसली हमें देना रहेगा। ऑटोप्सी फाइंडिंग के अंदर हमें क्या मिलेगा, स्कैल्डेड म्यूकोस ऑफ जीआईटी देखने को मिलेगा, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ, टंग, फेरिंग्स, ईसोफेजल ईसोफेगस मे बी ब्लीच एंड हैव स्कैल्डेड अपीरियंस, किडनी शो इडिमा, कंजेशन विद ऑक्सैलेट क्रिस्टल इन रीनल ट्यूब्यूल एंड नेक्रोसिस ऑफ पीसीटी। तो ऑटोप्सी के अंदर हमें ये सारे फाइंडिंग देखने को मिलेगा। जैसे मैंने आपको कहा था ऑक्सैलिक एसिड का हम किस किस चीज से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो जैसे यहां पे मैंने आपको दिखाया था कि रिजेंबल करता है मैग्नीशियम सल्फाइड और जिंक सल्फेट से, तो ये आपके सामने मैं रख देता हूँ। ऑक्सैलिक एसिड मैग्नीशियम सल्फेट और जिंक सल्फेट के बीच का डिफ्रेंशिएटिंग फीचर्स मैं आपको बता देता हूँ। टेस्ट होता है इसका सोर एंड एसिडिक ऑक्सैलिक एसिड के केस में, मैग्नीशियम सल्फेट का बिटर टेस्ट होता है, जिंक सल्फेट का मेटलिक टेस्ट होता है। रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ तो स्ट्रांगली एसिड है ये, ऑक्सैलिक एसिड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग एसिड है, मैग्नीशियम सल्फेट जो है न्यूट्रल एसिड है और जिंक सल्फेट थोड़ा सा ही एसिडिक होता है। हीट की अगर मैं बात करूँ तो सबलाइम फिक्स्ड और यहाँ पे भी फिक्स्ड। सोडियम कार्बोनेट की अगर मैं बात करूँ तो इफरवेरेंसेस एंड नो प्रेसिपिटेट शो करेगा, नो इफरवेरेंसेस एंड वाइट प्रेसिपिटेट शो करेगा, यहाँ पे भी नो इफरवेरेंसेस एंड वाइट प्रेसिपिटेट शो करेगा, नहीं करेगा मतलब। इंक की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे डिसअपीयर कर जाएगा, लेकिन यहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं होगा क्योंकि ऑक्सैलिक एसिड जैसे मैंने आपको बताया था इंक रिमूवल की तरह भी काम करता है। तो दोस्तों अभी तक हमने पूरा देखा कोरोसिव एसिड के बारे में, अब बात करते हैं कोरोसिव एल्कलीज के बारे में। तो चलिए इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो एल्कलीज होते हैं वो जो है ज़्यादा घातक होते हैं एसिड के कंपेयर में, और ये लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस शो करते हैं। मैंने आपको जैसे बताया था जो एसिडिक जो एसिड्स होते हैं वो कोगुलेटिव नेक्रोसिस शो करते हैं, और जो एल्कलीज होते हैं वो लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस शो करते हैं और ये मोर डेंजरस। चलिए प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। अब अमोनिया इज अ कलरलेस गैस विद पंजेंट ऑडर, इट कंडेंस्ड टू अ लिक्विड एट -33.4 डिग्री सेंटीग्रेड, द केमिकल फॉर्मूला इज NH3। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ लिक्विड कंटेनिंग अबाउट 30% अमोनिया, और अदर कोरोसिव एल्कली अकर्स एट वाइट पाउडर और कलरलेस सॉल्यूशन। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। फेटल डोज क्या है, सोडियम कार्बोनेट का है 30 ग्राम, पोटेशियम कार्बोनेट का है 15 ग्राम, सोडियम हाइड्रोक्साइड का है 5 ग्राम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का है 5 ग्राम, अमोनिया का है 30 ml। फेटल पीरियड है इसका 24 घंटा। तो कुछ एल्कलीज के बारे में आपको बता देता हूँ। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नाम है अमोनिया, और ये फर्टिलाइजर के अंदर यूज होता है। अमोनियम कार्बोनेट का नाम है साल वॉलेटाइल, सोडियम कार्बोनेट जो है वॉशिंग सोडा के अंदर काम आता है, वॉशिंग सोडा इसका नाम है, और यूज होता है हाउस होल्ड के अंदर क्लीनिंग, ये डिटर्जेंट की तरह भी काम करता है। पोटेशियम कार्बोनेट का जो कॉमन नाम है वो है सॉल्ट ऑफ टार्टर, हाउस होल्ड और क्लीनिंग एजेंट के अंदर काम आता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा नाम है इसका, ड्रेन क्लीनर में काम आता है ये। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक पोटास के नाम से जाना जाता है, ये भी ड्रेन क्लीनर के अंदर काम आता है, यानी कि जब नाली ब्लॉक हो जाती है तो उसके अंदर काम आता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेट लाइम के नाम से जाना जाता है, और ये पेंट और इंडस्ट्रीज के अंदर यूज होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इसका, तो जैसे मैंने आपको बताया था लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस शो करता है, तो इन कंसंट्रेटेड फॉर्म अल्कली एक्ट एज अ कोरोजन एंड इन डाइल्यूटेड फॉर्म दे एक्ट एज एन इरिटेंट, स्ट्रॉन्ग एल्कली प्रोड्यूस लिक्विफेक्शन नेक्रोसिस एंड कॉज सेपोनिफिकेशन ऑफ फैट डिजॉल्व प्रोटीन एंड दस कॉजिंग डीप पेनिट्रेशन इन द टिश्यू रिजल्टिंग इन एक्सटेंसिव टिश्यू डिस्ट्रक्शन। तो जैसे मैंने आपको बताया था एसिड और एल्कली के कंपेयर में जो एल्कली होते हैं वो मोर डेंजरस होते हैं। तो
तो जो मोर डेंजरस है वो एल्कली होते हैं। प्रोडक्शन ऑफ अल्सर आर मोर कॉमन, ईसोफेगस इज मोर कॉमनली अफेक्टेड देन स्टोमक रिजल्टिंग इन स्ट्रक्चर फॉर्मेशन और परफोरेशन। क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं उसके, लोकल अगर गिर जाता है हाथों पे गिर जाता है तो एप्लीकेशन कॉज केमिकल बर्न ऑन द स्किन विद स्किन शोइंग ग्रेश सोपी नेक्रोटिक एरिया विदाउट चेरी। अगर इनहेलेशन हो गया है तो इरिटेशन ऑफ आईज एंड वाटरिंग कफ ब्रेथलेसनेस रेस्पिरेटरी ट्रैक में अगर है तो एडिमेटस एंड इनफ्लेम लैरिंजियल एडिमा और स्पैज्म में अकर कॉजिंग डेथ। तो टाइप ऑफ मटेरियल इंजेस्टेड में रिजल्ट इन वेरिंग डिग्री एंड लोकल इंजुरी। अगर मान लीजिए सॉलिड या फिर पाउडर या फिर ग्रेन फॉर्म में अगर किसी ने इंजेस्ट किया है तो नॉट सॉलिड या फिर स्पिट आउट किया है किसी ने तो जो इंजुरी होंगी वो माउथ में फेरिंग्स में और अपर इसोफेगस में देखा जाएगा और डिग्री ऑफ इंजुरी जो होगी वो इंजुरी लोकलाइज रहेगी लेस सीवियर रहेगी और थोड़ी बहुत पेनिट्रेटिंग देखी जा सकती है। लेकिन अगर लिक्विड फॉर्म में लिया गया है और उसको सॉलिड ले मतलब सॉलो भी कर लिया गया है तो डिजिटल इसोफेगस स्टोमक और डियोडिना इसके लिए इंजुरी काफ़ी देखा जाएगा। डिजिटल इसोफेगस में इंजुरी देखी जाएगी, स्टोमक में और डिडम में इंजुरी देखी जाएगी। इंजुरी जनरलाइज डीप सर्कमफ्रेंशियल एंड मोर सीवियर। यहाँ पे जो अगर लिक्विड फॉर्म में अगर एल्कली को इंजेस्ट कर लिया गया है तो वो ज़्यादा घातक होगी एज कम्पेयर टू पाउडर फॉर्म में। अगर किसी ने एल्कली को इंजेस्ट कर लिया है तो जैसे मैंने दोस्तों आपको बताया कि अगर लोकल अप्लाई हुआ है तो क्या क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे, किसी ने इनहेल्ड कर लिया है तो क्या क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे। अब नेक्स्ट आता है इंजेशन में, अगर किसी ने इंजेस्ट कर लिया है तो कास्टिक टेस्ट एंड बर्निंग पेन देखने को मिलेगा, एब्डोमिनल पेन क्लिनिकल फीचर्स में आएगा, वॉमिटिंग वॉमिटर्स इज एल्कलीन इन रिएक्शन, डायरिया एंड टेनिसमस, द लिप म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ ओरल कैविटी एंड द टंग अपीयर सॉफ्ट स्वॉलन एंड ब्लीस्ड एंड बॉगी, द म्यूकोसा ऑफ जी आई टी स्वॉलन सॉफ्ट ग्रेश और ब्लीस्ड एंड स्लफ ईजली, इसोफेगस इज अफेक्टेड कॉमनली देन स्टोमक एंड रिजल्ट इन डिस्फेजिया ड्रूलिंग एंड हिमेटेमिसिस। एल्कली को कैसे की एल्कली की जो इसोफेजियल इंजुरी है वो कैसे क्लासीफाई की है, किस ग्रेडिंग में क्लासीफाई की है, ये हॉकिंस एट ऑल ने क्लासीफाई किया था। इट इज डिटरमाइंड बाई इसोफेगोस्कोपी, इसोफेगोस्कोपी से हम इसकी जो क्लासिफिकेशन है उसको देखते हैं। तो ग्रेडिंग क्या क्या है इसोफेजियल इंजरी के, ग्रेडिंग क्या क्या है, जीरो ग्रेडिंग है, नो विजिबल लीजन। जब हम इसोफेगोस्कोपी का जब हम करते हैं तो हमें कोई भी लीजन देखने को नहीं मिलेगा। वन डिग्री कब होगा, बर्न लिमिटेड टू म्यूकोसा करेक्टराइज बाई प्रेजेंस ऑफ इडिमा एंड या फिर और इरिदिमा। टू डिग्री ग्रेड किस केस में होगा, जब इसोफेगोस्कोपी से हमें बर्न पेनिट्रेटिंग बियॉन्ड द म्यूकोसा करेक्टराइज बाई प्रेजेंस ऑफ अल्सरेशन एंड या फिर आई और वाइटिस मेम्ब्रेन, यानी कि वन के अंदर से बर्न होगा और इसके अंदर हमें इडिमा या फिर इरिदिमा देखने को मिलेगा। टू डिग्री ग्रेड के अंदर हमें अल्सरेशन और वाइटिस मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा और थर्ड डिग्री थ्री ग्रेड के अंदर हमें पूरा परफोरेशन देखने को मिलेगा इसोफेगोस्कोपी में जब हम करेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट आते हैं मैनेजमेंट के ऊपर। तो लोकल अगर गिरा है स्किन के ऊपर गिरा है तो वॉश द अफेक्टेड एरिया विद कॉपियस वाटर, कॉपियस का मतलब होता है अबंडेंट बहुत ज़्यादा वाटर, यानी करीबन 15 से 20 मिनट तक सिर्फ हमें धोते जाना है हमें। अगर किसी ने इंजेस्ट कर लिया है तो हमें मिल्क या फिर वाटर में भी गिवन टू डाइल्यूट द एल्कली। कॉन्ट्राइंडिकेटेड क्या है, गैस्ट्रिक लेवाज एमएसएस या फिर न्यूट्रलाइज करना, ये सारी चीज़ें हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि न्यूट्रलाइज विद एसिड एज इट मे कॉज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ परफोरेशन, इसलिए हम इसको न्यूट्रलाइज नहीं करते हैं। हम इसके अंदर ये सारी चीज़ें जैसे मिल्क है, एग वाइट है, स्टार्च है, हम ये सारी चीज़ें हम दे सकते हैं। एसेसेस द इंजरी ऑफ इसोफेगस बाय इसोफेगोस्कोपी एंड सिम्टोमेटिक, जैसे मैंने बताया था ए बी सी डी ई जो मैंने आपको बताई थी रिजीम वो हम कर सकते हैं। ऑटोप्सी फाइंडिंग के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, अमोनिया लाइक ऑर्डर में भी परसीव्ड,
म्यूकोसा ऑफ माउथ, टंग, इसोफेगस एंड स्टोमक इन ब्लीस्ड एंड शोडन विद एरिया ऑफ नेक्रोसिस, इसोफेगस में शो इसोफेजाइटिस और परफोरेशन, पल्मोनरी इडिमा देखने को मिल सकता है, इनहेलेशन अगर किया होगा तो लेलेंजर इडिमा देखने को मिलेगा, अगर स्किन के ऊपर गिरा है तो हमें केमिकल बर्न देखने को मिलेगा। तो ऑटोप्सी फाइंडिंग के अंदर हमें ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी, परफोरेशन, इडिमा, स्पैजम जो है, जो म्यूकोसा होगी वो ब्लीज सोडन विद एरिया ऑफ नेक्रोसिस, ये सारी चीजें हमें ऑटोप्सी फाइंडिंग के अंदर देखने को मिलेगी। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या है इसका, एक्सीडेंटल हो सकता है, एक्सीडेंटल पॉइजनिंग काफी कॉमन है, मे बी थ्रोन ओवर फेस और बॉडी विद मेलिकियस इंटेंशन, यानी कि किसी के फेस पे फेंक दिया है, विट्रोलेज कर लिया गया है, जैसे मैंने विट्रोलेज के लिए मैंने जो आपको बताया था सेक्शन 320 आईपीसी है और सेक्शन 326 ए और 326 बी, ए से मैंने आपको बताया था एसिड अटैक, मैंने जो बताया था एसिड अटैक और एसिड अटैम्प्ट, एसिड अटैक और एसिड अटैम्प्ट, यह मैंने आपको बताया था। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में ही पेंड करता हूं, जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूं स्टे स्ट्रॉन्ग एंड बी पॉजिटिव। मैं क्यों आपसे कहता हूं कि जब भी आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करिए हमेशा अपने अंदर मोटिवेशन लेके आइए कि यस आई कैन क्रैक इट, आई कैन क्रैक नीट पीजी, हमेशा अपने अंदर ये मोटिवेशन लेके आइए कि हाँ मैं ये एग्जाम काफी आसानी से क्रैक कर सकता हूं। हमेशा अपने आप को स्ट्रांग बना के रखिए, डीमोटिवेट मत होइए। ये ऐसे फेज में काफ़ी सारे लोग आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, काफ़ी सारी सिचुएशन हमारे सामने आती है, सोशल, मेंटल, फैमिलियर या फिर फैमिली, काफ़ी सारी कंडीशंस हमारे सामने आती हैं जिससे हम डीमोटिवेट हो सकते हैं। लेकिन हमेशा ये जरूर ध्यान रखिएगा कि आपने ये ब्रांच क्यों चुनी है, आप ये जो ये एक साल जो आप ले रहे हैं या जो जिन्होंने ड्रॉप किया है, अगर मैं उनकी अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लूँ तो उन्होंने ये साल क्यों ड्रॉप ले रहे हैं वो, तो हमेशा वो सोचिए कि अपना जो एम है वो जो मोटो है जब तक वो नहीं मिल जाता तब तक आपको शांत नहीं बैठना है। इसलिए हमेशा अपने आप को स्ट्रांग बना के रखिए, अगर आप स्ट्रांग नहीं हुए और अगर आप हिम्मत तोड़ देते हैं तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा अपने आप को जो है मजबूत बना के रखिए। जैसे मैंने आपको स्पेशल क्लास के अंदर भी मैं आपको कहता हूँ जो आपकी जो पढ़ाई का जो एरिया है वहाँ पे आपके जो चाहते जो लोग हैं, आपके जो लव वन हैं, जैसे फैमिली मेंबर, जैसे पेरेंट्स, उनकी इमेज फोटो रखिए ताकि हमेशा जब भी आपको क्विट करने का मन करे तो आपको हमेशा ये रहे कि मुझे कुछ करना है, मुझे इनका नाम रोशन करना है। तो इसलिए हमेशा अपने आप को स्ट्रांग बनाइए और हमेशा अपने अंदर पॉजिटिव थॉट रखिए। एंड करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो हमारी नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा, इससे कोई भी वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक जरूर करा करिए, अगर आप लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा स्लाइड्स रखना, उसको काफ़ी अच्छे से समझाना, काफ़ी अलग अलग बुक से कंटेंट ढूंढना, ये सारी चीज़ें के लिए हमें मोटिवेशन मिलता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों मेरा जो कोड है वो है LIVDRAM, अगर आप ये कोड यूज़ करते हैं तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर मैं 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन चार्जेस की अगर मैं बात करूँ तो उसके चार्जेस होते हैं 30,000 रुपीज़, लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं LIVDRAM तो ये इससे आपको 10% डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिल जाएगा और ये आपको पड़ेगा 27,000 रुपीज़ का सिर्फ, तो आपको 30,000 रुपीज़ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही अगर मैं 12 मंथ सब्सक्रिप्शन चार्जेस की अगर मैं बात करूँ तो वो होते हैं 22,500 मेरा कोड यूज़ करने के बाद, और 1 मंथ के सब्सक्रिप्शन चार्जेस की अगर मैं बात करूँ तो वो होती 4,500 मेरा कोड यूज़ करने के बाद। तो दोस्तों अगर मैं आपके सामने एक डाटा रखूँ तो 13 मंथ के सब्सक्रिप्शन चार्जेस में आपको पूरे दो साल का आपको बेनिफिट मिल रहा है। आप अगर यहाँ पे कैलकुलेट करिए तो यहाँ पे 27,000 रुपीज़ आता है, तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ 13 मंथ के चार्जेस सब्सक्रिप्शन चार्जेस में आपको पूरे दो साल का बेनिफिट मिल रहा है। तो इसलिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बारी आप ये सब्सक्रिप्शन लेके देखिए, आपको 100% बेनिफिट आपको मिलेगा। तो दोस्तों यहीं पर मैं आज की वीडियो एंड करता हूँ, कोरोना वायरस काफ़ी फैल रहा है दोस्तों,
तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हम लोग मेडिकल सेक्टर में हैं, तो ऐसे में जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप सर्व करते हैं उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा कंट्री को। आपको इसके अलावा ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी गलत र्यूमर फैलने से आप बचाइए। अगर आपके सामने कोई भी गलत र्यूमर आती है तो उसको हमेशा उसको करेक्ट करिए, हमेशा अच्छी अच्छी बातें स्प्रेड करिए ताकि लोगों के बीच में अवेयरनेस फैले। जैसे आज के टाइम पे सोशल डिस्टेंसिंग एक इसका एकमात्र उपाय है, तो हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग के लिए इंकरेज करिए लोगों को, ताकि वो जैसा अभी लॉकडाउन चल रहा है 14 अप्रैल तक, तो लोगों को प्रोत्साहन दीजिए कि ज़्यादा गैदरिंग ना करें और जो है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखिए। तो दोस्तों यहीं पे मैं आज की वीडियो एंड करता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू।